हाई क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आरडी शर्मा एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं, ठीक है। मैं निकला हूँ एक मिशन पे, वो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशंस आपको दूंगा एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा, ठीक है। एंड वी आर वर्किंग एज ए टीम। 11.1 में क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है 25 से लेके 30 तक, ये न्यू एडिशन है मेरे पास, ये मैंने आपको दिया है सॉल्यूशन 31, 32 एंड 33। ये मेरा इस वीडियो में टास्क है, आपको क्वेश्चंस को समझाना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भी डर के हमसे भागेंगे कि भैया निकल लो, पतली गली पकड़ लो, गौरव सर आ गए, ठीक है। डरना नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, ठीक है। देखो आइडेंटिटीज लिखते हैं, आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के साथ चलता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहता है 31 क्वेश्चन। cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b कॉसेक स्क्वायर ए, क्या करना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। डरना ही नहीं है, देखते ही समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो कॉसेक स्क्वायर तो गायब हो रहा है, तो जहां जहां कॉसेक स्क्वायर है ना चेंज कर दो, क्योंकि कॉट और कॉसेक में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, इसको लिया मैंने, ठीक है। दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं, यही चेंज कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर बी, क्या लिख सकता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ, बी है। अरे देखो ना यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है ही नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर बी, इसको कॉसेक स्क्वायर ए को फिर से लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। एंगल कितना है ए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें पेन आपका बिल्कुल सही चलना चाहिए, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो प्लस कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी, अब ये माइनस है, 1 में मल्टीप्लाई होगी कॉट स्क्वायर बी, और माइनस की इसमें होगी कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया। देखो कॉट स्क्वायर ए बी और कॉट स्क्वायर ए बी, ये प्लस के, क्या बचा कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर बी, ठीक है। यही आपको लाना था, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये जो 32 वाला क्वेश्चन है ना, देखो अगर आप फील करोगे ना इस क्वेश्चन को, बुक में देखोगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन की आप हेडिंग डाल सकते हो 32-33 की, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। एलिमिनेशन ऑफ थीटा ऐसा क्यों, देखो इस क्वेश्चन में कहा एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा और बी टेन थीटा, ठीक है। वाई इक्वल्स टू का ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है या शो करना है। अब आप देखो ना इस प्रूफ को, देखो ध्यान से, कहीं पर थीटा दिख रहा है आपको, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ थीटा, इस तरह के क्वेश्चंस। अच्छा कैसे करें स्टूडेंट्स, आप देखो कैसे करें इस क्वेश्चन को, मुझे एक फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन में, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, तो इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, ये लेके चल रहा हूं, ये लेके मिशन पे चल रहा हूं, और ये लेने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है जी। तो देखो x की वैल्यू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, इसका स्क्वायर करा, माइनस y की वैल्यू ये रही और स्क्वायर करके यहां रख दिया, a tan थीटा प्लस b sec थीटा, नहीं आया समझ में। अरे x की वैल्यू ये है a sec थीटा b sec थीटा, इसकी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा ना, ऐसे ऐसे स्क्वायरिंग करूंगा, ऐसे स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी, ये सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में ये किया मैंने बस, और क्या किया। ठीक है जी, देखो अब क्या करेंगे, ये हो गया मेरा ए, चलो ए बी में चल रहा है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ये भी स्क्वायर है का होल स्क्वायर। इनको स्क्वायरिंग खोलनी है मेरे को, तो स्क्वायरिंग खोलते हैं। देखो इसकी क्या स्क्वायरिंग खुलेगी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो ये ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, अरे ऐसे आएगा ना ये ए का होल स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर खुलेगा तो ए का भी स्क्वायर होगा और सेक स्क्वायर थीटा आएगा, यही तो लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर क्या आएगा प्लस का टू ए बी, देखो टू आ गया, ए और बी को साथ में लिया, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा माइनस। अब देखो इस वाले को देखो, ये बाहर माइनस है ठीक है, अंदर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, और ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस कर देता हूं, माइनस बी स्क्वायर ठीक है, फिर आएगा प्लस के टू ए बी टू एक्स वाई आएगा ना, तो और बाहर माइनस है तो माइनस कर दिया मैंने टू ठीक, ए बी टेन थीटा और सेक थीटा, दिख रहा है ना। ठीक है देखो अब क्या क्या कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, देखो प्लस के टू ए बी सेक टेन थीटा और माइनस के टू ए बी टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है ये इससे कैंसिल हुआ, कितना बचा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इतना राइट डाउन करो, जरा ऊपर से रब करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ थीटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें से हम क्या करते हैं, यहां से एक काम करते हैं, ये और ये देखो कॉमन आ गया मेरा, कितना मुझे कॉमन लाना है सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा बेटा यहां से, ये बचेगा ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ये आ गया, क्या बचा ये बचा ये माइनस है ठीक है, इसमें से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो ठीक है, और वो भी माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखो ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि यहां प्लस आ रहा है ठीक है, और ये जो प्लस का था ये माइनस का बन जाएगा, आप देख लो मल्टीप्लाई करके, अरे ध्यान से देखो ना, इसमें से और इसमें से तो कॉमन ले लिया ठीक है। अब आप यहां पे देखो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, मुझे यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फीलिंग आ गई कि कॉमन आ जाए, तो माइनस के देखो टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, ये रहा माइनस के ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, तो देखो ये कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक, यहाँ कितना बचा सेक स्क्वायर थीटा, ये बचा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर बचा टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये रहा टेन स्क्वायर थीटा को उधर लाओ कितना बचेगा वन बचेगा, इंटू वन दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपने टीचर को यहाँ पर लिख के दिखा देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। तो ये आर एच एस हमारा इस तरीके से एलिमिनेशन ऑफ थीटा के ऊपर ये क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है लास्ट क्वेश्चन करेंगे 33 इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 करता है, कहता है क्वेश्चन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कितना दिया हुआ है एम, और आपको दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ कितना दिया हुआ है एन, आपको प्रूफ करना है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है एम एन इक्वल्स टू वन, ये भी एलिमिनेशन ऑफ थीटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी आपको बताया, आप इस क्वेश्चन को फील करो, लेफ्ट हैंड साइड को देखो एम बी गिवन है एन बी गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेके चलेंगे और इसको लाने की कोशिश करेंगे,
बस हो जाएगा क्वेश्चन। तो एम एन लिखेंगे, एम एन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू एम एन। एम की वैल्यू कितनी है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एन की वैल्यू कितनी है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया? वन। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा एक कॉट स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, कितना बचेगा? वन। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड लक स्टूडेंट्स।